केरल में बाढ़। केरल में 9 दिन से भारी बारिश और बाढ़ के चलते 324 लोगों की मौत हुई। भूस्खलन और बाढ़ में 106 जाने गई। सेना के साथ एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हैं। करीब 2,23,000 लोगों को 1,500 राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री देर रात केरल पहुंचे। सुबह 7:30 बजे वे हवाई सर्वे के लिए कोच्चि रवाना हुए। बाढ़ की वजह से अब प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ऑक्सीजन की कमी, पेट्रोल डीजल ना होना और सीमित पेयजल एक बड़ी समस्या है। केरल में भयंकर बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन ने राज्य में हाहाकार मचा रखा है। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। हजारों मकान बाढ़ के पानी में समा गए हैं। सड़कें धस गई हैं। चारों ओर केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में पहाड़ के हिस्से जमीन पर गिरने से सड़क जाम हो चुकी है, जिससे बाकी जगहों से उनका संपर्क टूटता जा रहा है। आइलैंड की शक्ल ले चुके कई गांव में फंसे लोगों को निकालने का अभियान भी जारी है। नौका से नहीं पहुंचने लायक जगहों में फंसी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित कई लोगों को सेना के हेलीकॉप्टरों से सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से बाढ़ के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को 2,00,000 रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। पिनराई विजयन ने पीएम मोदी के साथ हुई बैठक में ये कहा कि केरल राज्य को बाढ़ की वजह से 19,512 करोड़ रुपए की जान माल के नुकसान की आशंका है। मौसम विभाग की चेतावनी दे चुका है कि अगले कुछ दिनों में केरल में मूसलाधार बारिश होने के कारण बाढ़ प्रभावित 13 जिलों में स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। केरल में बाढ़ की वजह से जो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं वो पश्चिमी घाट के इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टूडेज फॉर मोर वीडियोज।